हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी टेक्नोलॉजी लाती टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक अ लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अनअवेलेबल होने की। आपके ऊपर एक तक खबर तो मिल ही गई होगी कि ये तीनों ऐप्स अनअवेलेबल हैं। ट्विटर पे ये बोला जा रहा है कि कुछ यूज़र्स अफेक्टेड हैं, लेकिन वो सच नहीं है। आप जिससे भी बात करें, आप कौन को बात करके पता चल जाएगा कि उनकी भी एप्लीकेशन नहीं चल रही, पूरी वर्ल्ड वाइड हुई है। अब सब यही पूछ रहे हैं कि ये कब अप होगी, इसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी की, इतनी बड़ी डेटाबेस स्ट्रक्चर की डाउन होना बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है और लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और सबके माइंड में आ रहा है कि ऐसा क्यों, ऑल ऑफ अ सडन क्यों हो रहा है। ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि इस रीज़न से है क्योंकि एक जो पर्सन था जो फेसबुक में काम कर रहा था, उन्होंने रिज़ाइन किया है। एक इंटरव्यू में 16 मिनट्स करके एक शो आता है। तो ये जो विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने खुलासा किया है, इनका नाम है फ्रांसिस हॉगन, और इन्होंने ये बोला है जो फेसबुक की एल्गोरिदम्स होती हैं जो हेट स्पीच मैनेज करती हैं, मतलब कुछ गलत बोल दिया उसको ब्लॉक करने के लिए ऑटोमेटिक एल्गोरिदम, वो एक्चुअली फेयर नहीं है। वो जो इंटेंशन उसकी है कि लोगों को हम रोके गलत करने से, वो ये ना करके वो चीज़ें मोटिवेट करता है जिससे लोगों में गुस्सा, ईर्ष्या ऐसी चीज़ें आती हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि ये सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है, ईर्ष्या और एंगर, ऐसे इमोशंस के साथ लोग ऐप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हालांकि जो को एक्चुअली करना चाहिए, जो लोगों के हित में करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट होने के बाद किसी को बहुत गुस्सा आ गया हो, या फेसबुक की कोई टेक्निक हो या कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये ऐप्स डाउन हो गई हैं, लेकिन ये खबर अब तक पक्की नहीं है। और ये इंटरव्यू अवेलेबल है ऑनलाइन अगर आप देखना चाहें, लेकिन हो सकता है ये देखने के बाद, क्योंकि जिस टाइम पे ये इंटरव्यू रिलीज़ हुआ था उसकी थोड़ी ही देर में व्हाट्सएप वगैरह सब डाउन हो गए थे, हो सकता है किसी ने गुस्से में आके कर दिया हो, या फेसबुक ने खुद ये डिसीजन लिया हो कि हम कुछ बड़ा करते हैं दिखाने के लिए कि आप हमारे बिना नहीं जी सकते हैं। लेकिन लोगों फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये ऐप्स नहीं चल रही हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना हम लोग नहीं रह सकते, जैसे अपने पेरेंट्स से बात करना, वो सब आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो आप फटाफट से अपना आईफोन पे लॉग इन करके फेस टाइम कर सकते हैं, जिससे नॉर्मल व्हाट्सएप जैसे चैट्स हो सकते हैं। दूसरी ऐप जिससे आप बात कर सकते हैं वो है टेलीग्राम, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं चैटिंग के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, गूगल भी चल रहा है, तो अगर आपके पास एक जीमेल आईडी है जो आपके पास होगा ही अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आप उससे ही या तो डुओ, गूगल डुओ यूज़ करके, या गूगल हैंगआउट्स यूज़ करके, या नॉर्मल डेस्कटॉप में लॉग इन करके उसके अंदर चैट ऑप्शन में जाके वहाँ से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कनेक्शन टूट गया है, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है। अगर आप दूसरी ऐप्स यूज़ करें, विद इन कैनेडा कॉल करना चाहते हैं या कैनेडा अमेरिका कॉल करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट ना यूज़ कर सकते हैं। दूसरे देशों में आप फोंगो ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप एक स्यूडो नंबर बना सकते हैं और अपने लोकल लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर कोई सिचुएशन है जो आपकी हैंडल नहीं हो रही है, हम साथ में बैठ के एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। घबराइए मत, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। क्यों हो रही है हमें दोनों शक तो है कि क्यों हो रही है, लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली कैसे हो रही है और इसका अप टाइम का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। अगर पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक गुरु साइनिंग ऑफ।